जय माता दी बंधु, कैसे हैं आप? हमारे इस खास वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आपको आपकी राशि के अनुसार आने वाले नए साल में करियर के लिहाज से होने वाले सभी परिवर्तनों की विस्तृत जानकारी प्रदान की जा रही है। साल 2021 की शुरुआत में मंद ग्रह शनि और बृहस्पति की युति मकर राशि में होगी, जहां जनवरी के मध्य में सूर्य देव भी गोचर करेंगे। राहु महाराज वृषभ तो केतु जी वृश्चिक राशि में स्थित होंगे और मंगल देव अपनी स्वराशि मेष में विराजमान रहेंगे। इन ग्रहों के साथ साल के दौरान विभिन्न ग्रह अपना गोचर करेंगे और आपके करियर को प्रभावित करेंगे। जैसा कि साल 2020 के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि कैसे कोरोना महामारी ने हमारे जीवन में आकर उथल पुथल मचा दी थी। इस भीषण महामारी के चलते ना जाने कितनों को अपना काम धंधा बंद करना पड़ा था और ना जाने कितने लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी थी। तो वहीं बड़ी कंपनियों ने इस दौरान छटनी, अपने कर्मचारियों की वेतन में कटौती या फिर नई जॉइनिंग को रोककर इस बीमारी का सामना किया था। जहां छोटे कारोबारियों को इस महामारी के दौरान पूर्ण रूप से ही अपना काम धंधा बंद करने की नौबत आ गई थी, वहीं बड़े कर्मचारियों को उनके व्यापार में बहुत नुकसान झेलना पड़ा था। हालांकि हम सभी ने इस भयानक समय का डटकर सामना किया और पुनः अपने पैरों पर खड़े होने का दम दिखाया है। अब नया साल हमारे सामने खड़ा है, जिसका हमें पूरे दिल से स्वागत करना है। लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं कि करियर के लिहाज से यह नया साल हमारे लिए क्या कुछ खास लेकर आने वाला है। हमारे इस वार्षिक करियर राशिफल के माध्यम से आप यह जान सकते हैं कि आपकी राशि के अनुसार साल के कौन से महीने आपके लिए अच्छे साबित होने वाले हैं, कहां थोड़ी उठापटक का सामना आपको करना पड़ सकता है और किन महीनों में करियर के लिहाज से आप बुलंदियों के शिखर पर रहने वाले हैं। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक और कॉमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक और दिखाई दे रही होगी वीडियो की, उस पर जरूर क्लिक करें और हमारे उन वीडियोस को जरूर देखें। मकर करियर राशिफल 2021 के अनुसार इस साल करियर के मामले में आपको मेहनत के अनुसार ही परिणाम की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस साल आपकी राशि का स्वामी शनि बृहस्पति के साथ विराजमान होगा और आपके कर्म भाव को देखेगा। साथ ही इस वर्ष बिजनेस वालों को भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा और व्यापार में उन्नति होगी। कार्य क्षेत्र में प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिलने की भी संभावनाएं हैं। साल के पहले महीने यानी जनवरी में सूर्य का धनु राशि में गोचर कर सुख भाव में बैठना बुधादित्य योग बनाता है, जो करियर के मामले में सुख संकेत दे रहा है। नौकरी पेशा और व्यापारियों के लिए ये अच्छा समय है। मकर करियर राशिफल 2021 के अनुसार फरवरी के महीने में शनि मकर में सुख के घर में लग्नेश के साथ चार ग्रहों की युति बनाएंगे, जिसके चलते चतुर्ग्रही राजयोग बना रहा है, जो व्यापारी वर्ग के लिए अनुकूल रहेगा। इस अवधि में व्यापार में आई मंदी दूरी होने की संभावनाएं हैं। वहीं पहले तिमाही के अंतिम चरण यानी मार्च में शनि पराक्रम भाव में स्थित होगा, जिससे कार्य क्षेत्र में आपको लगातार बढ़ोतरी दिखाई देगी। इस अवधि में व्यापारी वर्ग को मेहनत के बाद ही सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा साल के दूसरे तिमाही के पहले चरण यानी अप्रैल में शनि धन के स्थान में धनेश व लग्नेश के साथ स्थित रहेगा, जो कार्य क्षेत्र के लिए सकारात्मक परिणाम देने के संकेत कर रहा है। मकर करियर राशिफल 2021 के मुताबिक मई के महीने में मकर राशि का स्वामी शनि लग्न में लग्नेश होकर स्थित है, जो नौकरी पेशा वालों के लिए शुभ रहेगा। करियर में प्रमोशन और ग्रोथ मिलेगी, लेकिन बिजनेस में उतार चढ़ाव बना रहेगा। वहीं शनि की दृष्टि आपके व्यापार घर व लाभ घर पर पड़ेगी, जिससे आपको करियर में ग्रोथ करने में थोड़ा वक्त लग सकता है।
दूसरे तिमाही के अंतिम चरण यानी जून में शनि 12वें घर में चंद्रमा के साथ विष योग बना रहा है और शनि वक्री भी है, जिससे कार्य क्षेत्र में संघर्ष की स्थिति बने रहने की संभावनाएं हैं। इस अवधि में आपको कड़ी मेहनत करने की जरूरत होगी ताकि आपको सफलता प्राप्त हो सके। साल 2021 के तीसरे तिमाही के पहले चरण यानी जुलाई में सूर्य का मिथुन राशि में गोचर सुख के घर में आना कार्य क्षेत्र को देखना नौकरी पेशा वालों के लिए अति उत्तम रहने के संकेत दे रहा है। आपको ऑफिस में बॉस से सराहना प्राप्त होगी। इस अवधि में व्यापार को बढ़ाने की योजना भी बना सकते हैं। इसके अलावा बृहस्पति के 12वें घर में जाने से लांछन संबंधी योग बन रहे हैं, जिसकी वजह से आपको किसी विश्वास पात्र से विश्वासघात मिल सकता है। वहीं अगस्त में शनि कर्मेश होकर के कर्म स्थान में होने से नौकरी पेशा वालों को इंक्रीमेंट और प्रमोशन मिल सकता है, साथ ही बिजनेस वाले अपने व्यापार में विस्तार कर सकते हैं। तीसरे तिमाही के अंतिम चरण यानी सितंबर 2021 में पराक्रम का स्वामी होकर लाभेश के साथ बैठना लाभ संबंधी योग बना रहा है, जो व्यापारी वर्ग के लिए अति उत्तम रहने वाला है। वहीं अक्टूबर में व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा जातकों के लिए यह समय उतार चढ़ाव वाला रह सकता है, क्योंकि शनि और बृहस्पति एक साथ आ जाएंगे। हालांकि मेहनत करने पर आपको सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त होंगे। वहीं नवंबर में वापस से मकर राशि के व्यापारी जातक का व्यापार पटरी पर आ जाएगा। इस अवधि में शनि व्यापार घर में गुरु के साथ केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे, जिससे व्यवसाय में वृद्धि होगी। साथ ही नौकरी पेशा वालों के लिए भी यह थोड़ा अच्छा समय रहेगा, क्योंकि सूर्य मंगल राशि में गोचर कर तुला राशि में सुख के घर में आएंगे। वर्षात के अंतिम महीने यानी दिसंबर में व्यापार के घर में बृहस्पति का अकेले बैठना व्यापारी वर्ग के लिए संघर्ष में समय लाने वाला होगा। वहीं सूर्य का वृश्चिक में आना और बुध का एक साथ आदित्य योग बनाना नौकरी पेशा वालों के लिए शुभ रहने वाला है। आपको नौकरी में प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिलने की भी संभावनाएं हैं। इस साल केतु आपकी राशि के 11वें भाव में रहेगा, जिसकी वजह से आप कोई नया व्यापार शुरू करने की योजना बना सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको सहकर्मियों और अधिकारियों का भरपूर सहयोग भी मिलेगा। कुल मिलाकर यह साल मकर कर्य राशिफल 2021 के लिए कार्य व व्यापार के लिए उतार चढ़ाव वाला बना रहेगा। बंधुओं, ये था वीडियो मकर राशि वालों के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, घंटी दबाएं और ऑल ज़रूर सिलेक्ट करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। जय माता दी।